हेलो एवरीवन, दिस इज नितेश। और लास्ट वीडियो में हमने एमपी सिविल जज एग्जामिनेशन के बारे में बात की थी, उसका पैटर्न, सिलेबस, स्ट्रैटेजी, इन सारी चीजों के बारे में। आज मैं एक बहुत ही ब्रीफ और सिंपल सा टॉपिक ले रहा हूँ डिस्कशन के लिए। ऑल्दो मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियोज में सिलेबस बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज, एक एक सब्जेक्ट, उसके लिए हम लोग जल्दी वीडियोज शेयर करेंगे। आज मैं ऐसे एक कॉमन सा टॉपिक ले रहा हूँ जो ना सिर्फ लॉ बैकग्राउंड, बट जिनका लॉ बैकग्राउंड नहीं है उन लोगों ने भी इसके बारे में सुना होगा। दो टर्म है, क्राइम एंड ऑफेंस। क्या ये दोनों टर्म सेम होते हैं या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस हो सकता है? ठीक है, जैसे इंडियन कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडिया के जो लॉज हैं, पिनल लॉज जैसे आईपीसी वगैरह, वहां पे ऑफेंस वर्ड यूज किया है इंस्टेड ऑफ क्राइम। जैसे कैटेगराइजेशन भी जो आईपीसी में है वो है ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन, तो हर जगह ऑफेंस यूज हुआ है इंस्टेड ऑफ क्राइम। ठीक है, लेकिन सीरियल हमारे आता है क्राइम पेट्रोल, तो क्या इन दोनों टर्म को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं या कोई डिफरेंस इस तरीके का है? इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्राइम जो है ये वर्ड कहीं डिफाइन नहीं है, इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कहीं पे भी। बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने ट्राई किया क्राइम को डिफाइन करने का, बट उनका भी यही ओपिनियन है कि एक कंसाइज डेफिनेशन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। और वहीं पे ऑफेंस की अगर आप बात करें तो ऑफेंस को आईपीसी में भी डिफाइन किया गया है, और सीआरपीसी जो प्रोसीजरल लॉ है, क्रिमिनल लॉ हमारे यहां, उसमें भी डिफाइन किया है ऑफेंस को। तो ऑफेंस की तो स्पेसिफिक डेफिनेशन है। मैं आपको पहले एक जनरल मीनिंग बताता हूं दोनों का। क्राइम मेनली जो रेफर करता है वो एक ब्रॉडर कैटेगरी है, और उसी का एक सबसेट हम ऑफेंस को बोल सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि क्राइम जो है वो कोई भी एविल एक्ट है जिसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज ना करे, या सोसाइटी जिस भी एक पर्टिकुलर एक्ट को गलत मानती है, सही नहीं मानती है, उसको हम क्राइम कह सकते हैं। जैसा भी ज्यूरिस ने जो डेफिनेशंस दी हैं क्राइम के लिए अपनी अपनी अलग अलग, ऑल्दो उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन कंप्लीट या कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बट स्टिल जो डेफिनेशंस दी हैं उससे यही रिफ्लेक्ट होता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जिसको एक पर्टिकुलर सोसाइटी रिकॉग्नाइज ना करे, जिसे सैंक्शन ना मिले, मतलब जिसे वो गलत समझते हैं, कोई भी एविल एक्ट हो सकता है क्राइम। जरूरी नहीं है कि उसके लिए लॉ में पनिशमेंट हो ही। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ऑफेंस की बात करें तो ऑफेंस की जो डेफिनेशन दी हुई है आईपीसी या सीआरपीसी में, वो डेफिनेशन ही कहती है एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ। कोई भी ऐसा एक्ट जिसके लिए लॉ में पनिशमेंट दिया है वो ऑफेंस होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मारने का एक्ट जो है इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए पनिशमेंट दिया हुआ है आईपीसी में। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि क्राइम एक ब्रॉड कैटेगरी है, और एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए, पर्टिकुलर एक्ट के लिए जब एक पनिशमेंट प्रिस्क्राइब हो जाता है तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, और ये स्पेसिफिक जब हो जाता है इसको हम कहते हैं ऑफेंस। ठीक है, तो क्राइम का ही एक सबसेट हम कह सकते हैं ऑफेंस। एक और इजी एग्जांपल से आपको मैं ये चीज समझाता हूं, जैसे आईपीसी में भी है और जनरल उसमें भी सबने सुना होगा स्टॉकिंग। स्टॉकिंग नॉर्मली होता है किसी को भी फॉलो करना। ठीक है, अब स्टॉकिंग क्या एक ऑफेंस है? तो हाँ, ऑफेंस है, लेकिन ये ऑफेंस बना आईपीसी में 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट से। उसके पहले इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं था आईपीसी में स्टॉकिंग के लिए, स्पेसिफिकली स्टॉकिंग के लिए, फॉलो करने के एक्ट के लिए। बट अब 2013 के बाद इसके लिए एक पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दिया गया है आईपीसी के सेक्शन 354D में। तो क्या उसके पहले फॉलो करना सही बात थी या ठीक बात थी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्राइम तो हमेशा रहा है, मतलब गलत तो हमेशा रहा है, बट ऑफेंस वो तब बना जब उसके लिए पनिशमेंट आया, और पनिशमेंट आया 2013 में। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो मैं और आपको इस चीज को अच्छे से समझा पाऊंगा। डेफिनेशन जो स्टॉकिंग की दी हुई है उसमें दिया है एनी मैन, अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, मैन, एनी मैन हु फॉलोज अ वुमेन एंड कॉन्टैक्ट और अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट सच वुमेन टू फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटेडली डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमेन। कोई भी मैन जब एक वुमेन को फॉलो करता है, दैट इज स्टॉकिंग। ठीक है, उसका वुमेन का क्लियर इंडिकेशन है दैट शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू और एनी काइंड ऑफ अदर इंटरेस्ट, बट स्टिल यू आर फॉलोइंग हर,
उसके बाद भी अगर आप फॉलो करते हैं तो दैट एक्ट बिकम्स स्टॉकिंग, और इस स्टॉकिंग के लिए यहीं पे इसी सेक्शन में पनिशमेंट, मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं लिया, जितना कंटेक्स्ट रिक्वायर्ड है उतना ही यहां पे ले रहा हूं, इसके लिए पनिशमेंट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैन अगर फॉलो करेगा वुमेन को तो उसके लिए आपने पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दिया है, तो इसको हम ऑफेंस तो बोल रहे हैं, इसीलिए ऑफेंस हो गया। वट इफ अ वुमेन फॉलोज अ मैन, अगर वुमेन फॉलो करती है मैन को तो वो तो इस सेक्शन में कवर नहीं हो रहा, वो तो ऑफेंस नहीं है, उसके लिए पनिशमेंट नहीं प्रिस्क्राइब है ना। तो क्या इसका मतलब वो सही है? सही तो वो भी नहीं है भाई। अगर एक वुमेन अनकंफर्टेबल फील करती है, अगर उसे कोई फॉलो करता है, उसे वो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी लगता है, तो किसी मैन को अगर वुमेन फॉलो, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये प्रैक्टिकली तो बात सही नहीं है, मतलब अगर कोई वुमेन फॉलो करने लग जाए किसी मैन को तो पार्टी हो जाती है इस बात पे, तो भाई चलो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं इसको। व्हाट इफ अ मैन फॉलोज अ मैन, अगर मैन ही फॉलो है तो गलत ये भी है ना, बट इसके लिए क्या पनिशमेंट है 354D में? नहीं, इसके लिए कोई पनिशमेंट स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं किया है, इसीलिए उन दोनों एक्ट को हम ऑफेंस नहीं बोल सकते। ऑल्दो जहां हम क्राइम की डेफिनेशन देखते हैं, ब्रॉडर सेंस में देखते हैं, तो हाँ वो गलत एक्ट तो वो भी है, इसलिए क्राइम तो हम उन्हें कह सकते हैं बट हम उन्हें ऑफेंस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसके लिए लॉ में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए। इसी तरह साइबर स्टॉकिंग भी इसी में दी हुई है, इसी के अगले क्लॉज में मॉनिटर्स द यूज, ये यही के कंटिन्यूशन में है, एनी मैन हु मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। तो यहां भी आप देखो, मैन अगर मॉनिटर करता है वुमेन के इंटरनेट यूजेज को तो वो स्टॉकिंग का ऑफेंस कमिट करता है। देखो भाई, लॉ पढ़ना इसीलिए भी जरूरी है कि मतलब एग्जाम और वो सब तो अपना अपनी जगह, डे टू डे लाइफ में आप जो हरकतें कर रहे हैं वो भी ऑफेंस हो सकती हैं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये नहीं कह सकते हमें पता नहीं था ये इलीगल है ना। तो अगर किसी वुमेन के इंटरनेट की यूजेज को विदाउट हर परमिशन आप वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू स्टॉकिंग। लेकिन फिर वही क्वेश्चन, वट इफ अ वुमेन डज द सेम एक्ट, तब वो ऑफेंस नहीं है, यहां पे प्रिस्क्राइब नहीं है। जेंडर वाइज ऑफेंसेस हैं ये, क्योंकि नॉर्मली ये प्रेवलेंट नहीं था सोसाइटी में। नॉर्मली मेन वुमेन को फॉलो करते हैं और वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं, इसीलिए ये प्रिस्क्राइब यहां पे किया गया है। ऑल्दो लेटर ऑन चेंजेस में हो सकते हैं। इसी तरीके का एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस भी है। डोमेस्टिक वायलेंस में जो एक्ट पनिशेबल है वो वही है जब हस्बैंड अगर वायलेंस करता है अपॉन दी वाइफ, और अगर वाइफ करती है हस्बैंड के ऊपर, तो वो एक्ट पर्टिकुलरली वहां पे प्रिस्क्राइब नहीं है, इसीलिए उसको भी हम ऑफेंस नहीं कह सकते। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे एग्जांपल्स है ना। सेक्सुअल ऑफेंसेस नॉर्मली ऐसे ही हैं, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन है आईपीसी में, इस तरीके के बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जिनको आप, जिनके हेल्प से आप ये समझ सकते हैं कि गलत तो और भी सारी चीजें हैं, बट जरूरी नहीं कि उसके लिए लॉ में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब हो। इसीलिए क्राइम को हम एक ब्रॉडर सेंस में लेते हैं और उसी का थोड़ा सा स्पेसिफिक जब हम हो जाते हैं तो वो ऑफेंस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इंडियन कंटेक्स्ट की, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं, बाकी कई जगह ऐसा हो सकता है कि इंटरचेंजेबली भी यूज हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि क्राइम एज सच कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है क्राइम की, तो थोड़ा सा देख लेते हैं जो जूरिस्ट ने डेफिनेशन दी है वो और ऑफेंस के बारे में भी। तो डेफिनेशन ऑफ क्राइम, ब्लैकस्टोन ने जो डेफिनेशन दी है क्राइम की वो है, क्राइम इज अ वायलेशन ऑफ द पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटी ड्यू टू द होल कम्युनिटी कंसीडर एज अ कम्युनिटी। कोई भी कम्युनिटी जिस चीज को वायलेशन मान ले पब्लिक राइट का, वो क्राइम हो सकता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक चीजों, स्पेसिफिक एक्ट के लिए नहीं, जनरल डेफिनेशन। इसलिए मैंने आपसे कहा था सोसाइटी या कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई भी एक्ट होता है तो वो हम क्राइम कह सकते हैं उसे। ऐसे ही स्टीफन ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की, क्योंकि डेफिनेशन कंप्लीट ये भी नहीं है, ये सिर्फ राइट के बारे में बात कर रहे हैं, वायलेशन ऑफ राइट, जरूरी नहीं है कि कोई राइट वायलेट ही हो, है ना। और ये भी जरूरी नहीं है कि इंजरी ही हो कहीं, तभी वो क्राइम होगा। अच्छा, स्टीफन कहते हैं क्राइम इज अ वायलेशन ऑफ अ राइट कंसीडर्ड इन रेफरेंस टू द इविल टेंडेंसी ऑफ सच वायलेशन एज रिगार्ड्स द कम्युनिटी एट लार्ज। उस पर्टिकुलर सोसाइटी या कम्युनिटी में उसको एविल टेंडेंसी की तरह ट्रीट किया जाए, जहां पे जिस भी पर्टिकुलर राइट के वायलेशन को उसे हम क्राइम कह सकते हैं।
ठीक है, तो ये एक ब्रॉड डेफिनेशन, इसलिए मैंने कहा था एक ब्रॉड कैटेगरी हम समझ सकते हैं क्राइम को, उसी का स्पेसिफाई जब जैसे इंडियन पेनल कोड में, इंडियन लॉज में ऑफेंस यूज हुआ है हर जगह जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन हाँ ज्यूरिसप्रूडेंस के प्रोस्पेक्ट में अगर आप पढ़ते हैं एज अ कैटेगरी पढ़ते हैं तो हाँ क्राइम अगेंस्ट वुमेन हम पढ़ते हैं, साइबर क्राइम हम पढ़ते हैं, तो उसमें फिर ये जरूरी नहीं है कि जो एक्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब होगी, सजेस्टिव मेजर भी हो सकते हैं कि आगे चल के लिए उसके चल के उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब हो जाए। जैसे एग्जाम्पल था आईपीसी में सेक्शन 377, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, पहले ये ऑफेंस था, अभी इसको ऑफेंस से हटा दिया है, अब वो ऑफेंस नहीं है, तो भाई पहले इंडियन सोसाइटी उस चीज को गलत मान रही थी, अभी वो नहीं मान रहे हैं, इसलिए अब वो ऑफेंस नहीं है, पनिशेबल नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो हो सकता है गलत हो बट उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है, तो वो सब हम क्राइम की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ऑफेंस। ये डेफिनेशंस मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको डिफरेंस बताया है क्राइम और ऑफेंस के बीच और जो हम एग्जांपल वो डिस्कस कर रहे थे, तो वो उसका कहां से हम उस चीज को डिराइव कर रहे हैं। तो डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस में आप देखें आईपीसी में डिफाइन सेक्शन 40 में, द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। बाय दिस कोड मतलब आईपीसी की बात हो रही है, आईपीसी में जिस भी एक्ट के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है वो ऑफेंस है। थप्पड़ मारने के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है, किसी का हाथ तोड़ दिया आपने उसके लिए पनिशमेंट है, किसी का मर्डर कर दिया उसके लिए पनिशमेंट है, तो ये सारे ऑफेंसेस हैं। इसीलिए सीआरपीसी भी डिफाइन करता है ऑफेंस को, सेक्शन 2N में सीआरपीसी का डेफिनेशन दी है। ये थोड़ी सी आईपीसी की जो डेफिनेशन थोड़ी सी नैरो है, क्योंकि ये सिर्फ उन एक्ट को कवर करती है जिनके लिए पनिशमेंट आईपीसी में दिया है, किसी दूसरे लॉ के एक्ट्स को ये कवर नहीं करेगा। ये जो सीआरपीसी की डेफिनेशन है थोड़ी सी ब्रॉड है। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब सीआरपीसी में जो डेफिनेशन दी है वो कह रहे हैं कोई भी एक्ट जो पनिशेबल हो बाय एनी लॉ, किसी भी लॉ से जो फोर्स में हो, टाइम बीइंग इन फोर्स, जो उस समय फोर्स में है, ऐसे किसी भी लॉ से एक्ट, जैसे मैंने बताया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, बहुत सारे क्रिमिनल लॉज हैं इंडिया में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कोटा, किसी भी एक्ट, किसी भी लॉ में अगर एक पर्टिकुलर एक्ट को पनिशेबल बनाया है, उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया है, तो वो एक ऑफेंस होगा। इसीलिए इंडियन पैरलेंस में क्या यूज होता है, ऑफेंस, और जनरल उसमें क्राइम आप देख सकते हैं। बेसिकली यही एक डिफरेंस थोड़ा सा हम ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज तो एक दूसरे के प्लेस पे भी ये वर्ड क्राइम और ऑफेंस यूज हो जाते हैं। बस ऐसे ही एक जनरल सा टॉपिक मुझे लगा जो डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते हैं क्रिमिनल लॉ और सारी चीजें, इंटरव्यू में हो सकता है इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं, कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे जब वो आपसे पूछते हैं इंटरव्यू ऑफिसर व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट वहां पे कहते हैं क्रिमिनल लॉ, है ना, तो इस तरीके की कुछ मिसलिनियस चीजें हो सकती हैं जो आपसे पूछ सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूं, आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं, तो उसमें सबसे पहले मैं लूंगा कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए, और तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए। थैंक यू।